नमस्कार, जी हिंदुस्तान डिजिटल आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अल्पना। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव मतों पर एक छत्र राज्य करने वाला नेता कहा जाता है। बीते 3 दशक से भी ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय का समर्थन मुलायम सिंह यादव को रहा है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ही यादव समुदाय आखिर किस नेता को वोट देता था? वो कौन नेता था जिस पर यादव समुदाय मुलायम जैसा ही भरोसा करता था? तो आपको बता दें कि वो नेता कोई और नहीं, मुलायम सिंह यादव के गुरु समान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। दरअसल नेताजी ने राजनीति की जो बारीकियां थी चौधरी चरण सिंह के साथ रहते हुए ही सीखी, या ये कहा जाए कि चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह यादव के मेंटोर थे। कहते हैं कि चौधरी साहब ही वो नेता थे जिन्होंने मुलायम को कभी कहा था कि वो यानी कि मुलायम सिंह एक दिन बड़े नेता बनेंगे। यही वजह है कि 1980 में मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश का चीफ बना दिया गया था। मुलायम सिंह की ही तरह चौधरी चरण सिंह को भी आजमगढ़ से बेहद लगाव रहा। दरअसल आजमगढ़ को लेकर भी चरण सिंह का प्यार इसीलिए झलकता था कि इस शहर में यादव समुदाय की बहुलता है। ये ऐसा ही सामाजिक समीकरण भी है जैसे आगरा या मेरठ जैसे शहरों में जाट समुदाय काफी संख्या में रहा है। लेकिन ये बात दीगर है कि खुद जाट समुदाय से आने वाले चौधरी चरण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश में यादवों के निर्विवादित नेता रहे, और मुलायम सिंह यादव तो उस वक्त चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक पाठशाला में एक विद्यार्थी के रूप में थे। 70 के दशक में चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में कृषि समाज से जुड़ी जातियों का जबरदस्त गठजोड़ तैयार किया। इस गठजोड़ को उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक ताकत भी बनाया। हालांकि बाद में जब खुद मुलायम सिंह यादव बड़े नेता के तौर पर उभरे तो राजनीतिक विरासत की उनकी पहली जंग चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के साथ ही हुई। हालांकि इस राजनीतिक लड़ाई में मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को कहीं पीछे छोड़ दिया। जहां अजीत सिंह केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों के नेता के रूप में ही सिमट कर रह गए, तो वहीं दूसरी तरफ से मुलायम सिंह यादव ने यादव मुस्लिम गठजोड़ का ऐसा वोट बैंक बनाया जो आज भी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि चौधरी चरण सिंह के शिष्य के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने जमीनी राजनीति की हर बारीकी सीखी थी। वो अपने बड़े से बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी से बातचीत में यकीन रखने वाले नेता रहे। लोगों से उनका कम्युनिकेशन बेहद शानदार रहा। कहते भी हैं कि सैकड़ों की रैली में मुलायम सिंह यादव लोगों को नाम से बुला लिया करते थे। तो अपने गुरु यानी चौधरी चरण सिंह की तरह मुलायम सिंह यादव भले ही देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने केंद्र की सियासत में अपनी हनक बरकरार रखी, जिनमें देश के रक्षा मंत्री जैसे अहम पद पर रहते हुए मुलायम सिंह ने कई ऐसे फैसले लिए जो लोगों को आज भी याद हैं। तो इस जानकारी पर अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो जरूर रखें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल के साथ।